अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस जो है ये आलू की रेसिपी है। अगर खाने को दिल ना करे कुछ बनाने को तो ये बनाएं। आपने क्या करना है, आलू ले लेने हैं हाफ के जी, उसमें दो टमाटर डाल देने हैं, एक मीडियम साइज़ का आपने चॉप करके प्याज डाल देना है, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया, और मैंने एक चम्मच स्पेशल मैंने चिकन पाउडर डाला है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये लाजमी डालना है, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, ये बहुत जल्दी सी बन जाती है। कुछ यानी बाज़ दफ़ा दिल की तबीयत इतनी आवाज़ार होती है ना कि कुछ ना बनाए तो बस झटपट में आपने ये सारा कुछ डाल देना है, और ये फिर आपने ना बस इसमें 10 से 15 मिनट में ये आपकी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो फिर मैंने जो है ना एक कप मैंने जो है ऑयल है वो भी इसमें ऐड कर लिया है, और ये देखें कितनी अच्छी खूबसूरती पहले ही आ रही है तो बाद में कितनी अच्छी उसका टेस्ट होगा। तो मैंने इसको जो है ना सिर्फ और सिर्फ ना 6 मिनट का प्रेशर लगाना है। जब 6 मिनट का प्रेशर हम लगाने के बाद ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, और इसमें हम जो है 2 मिर्च हरी मिर्चें डाल देंगे चॉप की हुई, और फिर इसको हम और इसमें हम थोड़ा सा दही भी ऐड कर लेंगे। दही हम जो है ना एंड स्टेज में दही ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी जो ग्रेवी हल्की हल्की ग्रेवी भी रहे, और तेज़ आंच में हम यहाँ पे दही डाल के ना इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और आपको पता है कि जब तक भुनाई ना की जाए तो वो खाने का टेस्ट ही नहीं निकलता। इस तरह हम 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें नमक 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसकी फिर हम 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको सिंपल से डिश आउट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा ड्राई चाहते हैं तो आप इसको फुल ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी सी पसंद है क्योंकि मैंने दही डाला है ना इसमें, तो वो मुझे हल्की हल्की ग्रेवी पसंद है। तो ये देखें इस तरह मुझे पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।